सो गाइज आपने हाल ही में देखा होगा Redmi का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था Redmi Note 11 यस स्मार्टफोन। लेकिन अभी इसी सीरीज के तहत Redmi ने एक नया स्मार्टफोन जो है कि मार्च 2022 यानी अगले महीने मार्च में लॉन्च करने वाला है और इस स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन। जी गाइज तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन जो है कि लीक्स हुए हैं यानी अनाउंसमेंट किया है Redmi की तरफ से, Xiaomi की तरफ से, Xiaomi की तरफ से, तो मैं वही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर में इसमें कुछ नया क्या होगा और इसकी प्राइस क्या होगी, अगर इंडिया में आता है तो इसकी प्राइस क्या होगी और इसमें कौन से फ्यूचर्स मिलने वाले हैं, तो सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा गाइस। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा हम भी आगे बढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। अगर हम स्क्रीन के रेजुलेशन की बात करते हैं तो 1080x2400 पिक्सल का स्क्रीन का रेजुलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 सोर्स का चिपसेट देखने को मिलता है। 5000 एमएच की बैटरी मिलती है जो कि 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अभी हम इसके कुछ रैम की बात करेंगे और इंटरनल स्टोरेज की बात करेंगे, साथ में प्राइस की बात करेंगे। देखिए इसमें आपको तीन तरह का रैम और इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 24,700 रुपये होगी इंडिया में। दूसरा है 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 26,200 रुपये इंडिया में आने के बाद होगी। अभी तीसरा इसमें है 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत जो है कि 28,500 रुपये होगी इंडिया में। लेकिन अगर आप चाहें तो SD कार्ड के माध्यम से इसे और भी बढ़ा सकते हैं जो आपका इंटरनल स्टोरेज है उसको। साथ में अगर हम कैमरे की बात करते हैं, रियर कैमरे की बात करें तो देखिए दो तरह से इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसका फिक्स नहीं है, या तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ 108 मेगा हो सकता है या 50 मेगापिक्सल हो सकता है। कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है इन दोनों में कोई भी एक कैमरा होगा। तो अगर 50 मेगापिक्सल है तो उसके साथ समझिए 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का होगा। अगर 108 का है तो भी प्लस 8 प्लस 2 का कैमरा होगा LED रियर फ्लैश के साथ में। वहीं फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसका जो स्क्रीन है उसके सेफ्टी के लिए कंपनी ने कार्निक गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो अभी काफ़ी पावरफुल जो है कि ये प्लास्टिक माना जाता है, जिससे कि आपका स्क्रीन पूरी तरह से वाटरप्रूफ रहेगा और डस्ट प्रूफ भी रहेगा और कभी भी स्क्रैच नहीं आएगा। एंड्रॉइड भी 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये स्मार्ट जो फोन है ये वर्क करेगा यानी इसी पे चलेगा। 3.5 mm का इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, मल्टी टच स्क्रीन, हाई डायनेमिक रेंज मोड, HDR पे आप शूटिंग भी इससे कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे पास अभी ऑफिशियली जो आई थी कंपनी की तरफ से, मैंने वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें ये सारे फ्यूचर्स मिलने वाले। होप गाइज अगर आपको वीडियो और नॉलेज अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी साथ में लाइक जरूर करना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।